हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर आए हैं जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थाइम की, जो बेहद ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। थाइम एक सदाबहार जड़ी बूटी एवं विशेष प्रकार की हर्ब है। थाइम का पौधा मिंट परिवार से संबंधित है, जिसको आसानी से घर पर भी उगाया जा सकता है। दोस्तों, किसी भी पौधे को तभी जड़ी बूटी कहा जाता है जब उसमें रोगों से लड़ने वाले अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। बता दें कि थाइम में अनेक प्रकार के विटामिन एवं खनिज पाए जाते हैं। जैसे मुहासों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो दोस्तों यदि आप मुहासों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको थाइम का इस्तेमाल करना चाहिए। थाइम में एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को मुहासों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ मनुष्य की त्वचा रूखी बेजान हो जाती है। थाइम एक ऐसा हर्ब है जिसमें विटामिन सी, प्रोटीन एवं अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को चमकदार व खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं। वायरल रोग प्रत्येक मौसम की निशानी है, क्योंकि मौसम में होने वाले परिवर्तन से वातावरण में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर वायरल रोगों में सर्दी, खांसी, सिरदर्द, बुखार आदि बीमारियां होती हैं। वायरल रोगों से शरीर का बचाव करने के लिए आप थाइम का प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि थाइम में एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, जो वायरल रोगों की रोकथाम करने में सहायक होते हैं। थाइम में विटामिन B6, आयरन एवं प्रोटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को तो बढ़ाता ही है, साथ ही शारीरिक थकन को दूर करने में भी लाभकारी होता है। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। एक समय था जब केवल बुजुर्गों में ही ब्लड प्रेशर देखने को मिलता था, लेकिन वर्तमान में बच्चों और युवाओं में भी यह रोग देखा जा सकता है। आज के समय में ब्लड प्रेशर एक आम रोग हो गया है, लेकिन दोस्तों यह एक गंभीर समस्या है। ब्लड प्रेशर सीधे हृदय रोगों को उत्पन्न करता है। ब्लड प्रेशर को कम करने में थाइम कारगर उपाय है। इसका नियमित उपयोग करके आप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। आंखों की समस्या के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको थाइम का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि थाइम में आयरन, प्रोटीन एवं विटामिन ए अधिक पाया जाता है, जो आंखों को हेल्दी बनाने में मदद करता है। तनाव, जिसको हम स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, थाइम में तनाव को कम करने वाले कई तत्व के अलावा विटामिन B6 पाया जाता है, जो तनाव को दूर करने में मदद करता है। प्रतिदिन थाइम का उपयोग करके आप अपने बढ़े हुए तनाव को दूर कर सकते हैं, और हड्डियों या जोड़ों के दर्द को भी कम करने में थाइम का इस्तेमाल लाभकारी होता है। दोस्तों, थाइम औषधि से होने वाले फायदों को जानने के पश्चात यकीनन आप विचार कर रहे होंगे कि आखिर थाइम का उपयोग कैसे किया जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप थाइम का उपयोग कर सकते हैं। थाइम का उपयोग आप जूस के रूप में कर सकते हैं। यदि आपको ग्रीन टी पसंद है तो आप सुबह के समय इसकी पत्तियों का इस्तेमाल ग्रीन टी के रूप में कर सकते हैं, और थाइम का उपयोग सूप में डालकर किया जा सकता है। यह उपाय करने से आपके सूप का तो स्वाद बढ़ेगा ही, साथ ही थाइम के पौष्टिक तत्व भी उच्च मात्रा में प्राप्त होंगे। थाइम का उपयोग पालक टमाटर की सलाद में मिलाकर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप काढ़ा बनाकर भी कर सकते हैं, और थाइम का उपयोग आप तेल के रूप में भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको थाइम का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।